एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइव। तो आज है संडे 26 जून। तो ये सुबह से ही आज बहुत तेज़ धूप हो गई है और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और ये मेरे बर्ड हाउस में चिड़िया ने अंडे दिए हैं, बीच वाले में चिड़िया ने अंडे दिए हैं और ऊपर और नीचे वाला दोनों अभी खाली है। और ये आम के पेड़ में थोड़े से आम मेरे अभी बचे हुए हैं, ये सावनी ने बचा के रखे हैं कि जब ये पक जाएंगे तो खाएगी। बाकी के मैंने तो अचार डाल दिए थे, मम्मी को इस बार अचार डालना नहीं था तो मैंने कोशिश करी है, देखते हैं कैसा बनता है। आज भी सुनील को ऑफ़िस जाना था, वो ऑफ़िस जा चुके हैं। सावनी अभी सो रही है, मैं बाहर लॉन में पौधों को पानी डाल के अंदर आ गई हूँ और डस्टिंग करने लग गई हूँ। आज छुट्टी है तो पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करूँगी, उसके बाद और भी सारे काम मुझे करने हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, सावनी उठेगी तो नाश्ता कर लेगी, उसका नाश्ता मैंने बना के रखा हुआ है। वैसे मैं रोज़ ही हर जगह डस्टिंग कर देती हूँ काम भर की, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होने पाती है। जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ वहाँ डस्टिंग होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, हल्की फुल्की सफाई करनी है और मैं फटाफट कर ले रही हूँ। बस इधर उधर थोड़े सामान फैले हैं उन्हें समेटना है और उसके बाद मुझे कपड़े धुलने के लिए मशीन में लगाने हैं। और कुछ कपड़े मैं पहले सर्फ़ में डुबा दूँगी जो ज़्यादा गंदे हैं, बाकी जो कम गंदे कपड़े उन्हें मशीन में लगा दूँगी मैं। और फिर ये यहाँ पे मुझे अपने भी मनी प्लांट का पानी भी चेंज करना है, हफ्ते में एक बार सबका पानी चेंज कर देती हूँ मैं। और इन खिड़कियों को साफ़ करने के लिए मैंने एक ब्रश लिया हुआ है, उसी ब्रश से इन खिड़कियों की ग्रिल साफ़ करती हूँ, इससे अच्छे से डस्टिंग हो जाती है खिड़कियों की। बाकी ये यहाँ पे जो मैंने ये मशीन का स्टैंड ख़रीदा था वो पूरा एकदम ओवरलोड हो चुका है, जितना भी सामान घर में आता जाता है उतना ही कम। अगर ये स्टैंड ना होता तो जगह खाली होती, लेकिन स्टैंड आ गया था तो फिर इसके ऊपर भी सामान रख उठा है। अभी अगर एक और आ जाए तो शायद वो ही भर जाएगा। जितना सामान उतनी सफाई और जितना कम सामान उतना कम काम। तो यहाँ पे मैं वही स्टैंड साफ़ कर रही हूँ। यहाँ आंगन में ऊपर से हल्की हल्की धूल आती है क्योंकि आंगन खुला हुआ है, तो आजकल हवा बहुत चल रही है इसलिए गंदगी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे ये कपड़े ऐसे पड़े हुए थे तो अभी इनको धुलना भी है, लेकिन धूल है तो मैं साफ़ करके भी रख दे रही हूँ। और यहाँ मैं खिड़की की ग्रिल साफ़ कर लूँगी पहले, यही वो ब्रश है जिससे मैं खिड़कियों को साफ़ करती हूँ। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, बहुत अच्छा ब्रश है, इससे अच्छे से डस्टिंग हो जाती है खिड़कियों की। और अब फिर मैं सब्जियाँ खाली कर लूँगी, सब्जियाँ सुनील लाए थे, कल ही आई थी सब्जियाँ, लेकिन रात में बहुत थकान हो गई थी तो मैं सब्जियां खाली नहीं कर पाई थी। तो पहले मैंने आलू की बास्केट से पुरानी आलू निकाल दिए, फिर मैंने इसमें जो नई आलू आई है उसको भर दिया और पुरानी वाली आलू ऊपर, ताकि पहले की आलू यूज़ हो जाए। और यहाँ पे मैं सब्जियां खाली करके धुलने में रख दूँगी, सब्जियां धुल के मैं रख दूँगी सूखने के लिए। जब तक सब्जियां सूखती रहेंगी तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बर्तन धुलूंगी और बहुत से काम है। संडे जो है, संडे का दिन तो काम का ही दिन होता है। और ऐसे ही जब भी सब्जियां आती हैं तो पूरी बास्केट खाली करके पहले वाली सब्जियां मैं ऊपर कर देती हूँ और आई हुई सब्जियों को नीचे। यहाँ पे मैंने सुनील के कपड़े भिगा दिए हैं। और ये सावनी, मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई हूँ और जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है वहाँ वहाँ तक जाले भी साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे ज़्यादा जाले नहीं है क्योंकि जहाँ भी दिखते हैं मैं इंतज़ार नहीं करती कि संडे या सैटरडे आएगा तब साफ़ करूँगी। जहाँ भी मुझे गंदगी दिखती है, जब भी दिखती है, मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। काम को इकट्ठा नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर किसी एक दिन ही मैं सारा काम करूँगी। जब भी टाइम मुझे मिलता है कहीं ना कहीं की क्लीनिंग कर लेती हूँ, इसलिए मेरी सफाई हमेशा बनी रहती है घर में। और यहाँ पे मैं अपना बेसिन साफ़ कर रही हूँ, उसके लिए मैंने इसमें टॉयलेट क्लीनर डाला था, उसी से साफ़ कर रही हूँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी।
ताकि इस पे दाग ना पड़े पानी का और अच्छे से चमक जाए। और अपने टाइल्स को भी मैं पोछ देती हूँ, डेली बेसिस पे ही मैं इसको पोछा करती हूँ, क्योंकि आंगन में है तो आंगन में गंदगी, धूल, बारिश होती है तो बारिश के छींटे वगैरह पड़ते रहते तो टाइल्स गंदी होती रहती है। यहाँ पे मैं फिर पोछा लगाने लग गई थी, पोछा लगा के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। अब सावनी भी उठ गई है, उसको भी नहाना है, फिर हम दोनों नहाएंगे और उसके बाद लंच करेंगे। किचन में आ गई हूँ, किचन की हालत ऐसी हो रही है, दूध उबल के रखा हुआ है, सावनी ने दूध पिया है तो वो दूध छान के पीती है, मलाई वाला दूध नहीं पीती। सब्जियाँ मैंने खाली करके रखी थी, उसे धुल के मुझे हटाना है, बर्तन धुले रखे हैं उसको लगाऊंगी और सिंह में बर्तन भरा पड़ा है उसको धुल के हटाना है मुझे। संडे के दिन तो पूरा काम ही काम, काम ही काम, तो चलिए जल्दी सारा काम कर लेती हूँ मैं फटाफट। पहले मैं बर्तन लगा देती हूँ, साथ में ही रखना चाहिए। मम्मी बताई थी कि अलग अलग रखते हैं और ना जूठा रखना चाहिए, चाहे जितनी भी लेट होती है तो मैं धो के ही जाती हूँ। और चाकू भी कभी गंदी नहीं रखनी चाहिए, इसे बात यूज करती हूँ उतनी बार चाकू धुल के वापस हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी धनिया साफ़ करके पीस रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट की पिसी हुई धनिया नहीं खाती, मार्केट की पिसी हुई धनिया में बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है, तो मैं हमेशा ही अपने लिए धनिया मंगा के साफ करके उसको पीस के रख लेती हूँ। अभी मैं इतनी धनिया पीस रही हूँ कि मेरी धनिया एक हफ्ते तक चल जाएगी, नेक्स्ट वीक फिर से मैं पीस लूँगी। मैं हमेशा खड़ी धनिया खरीद के साफ करके उसे भून के पीस के रखती हूँ। यहाँ पे मेरा धनिया भूनने पीसने और रखने का काम खत्म हो गया था, इसके बाद मैंने मलाई निकाल ली है। आज मैं इससे मक्खन निकालूंगी, मेरी एक हफ्ते की मलाई रखी हुई थी तो आज मैं इससे मक्खन निकाल के घी बना लूंगी। तो इसके लिए मैंने मिक्सर में मलाई डाल दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और उसके बाद इससे मक्खन खुद ब खुद निकल आएगा और फिर उसके बाद मैं पका के उससे घी निकाल लूंगी। और उसके बाद मुझे नहाने जाना है, लेकिन सावनी इसके पहले ही आ गई नहाने के लिए, पहले वो नहाएगी, इसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा के हम दोनों लोग फिर खाना खाएँगे, फिर बाकी के बचे हुए काम करेंगे। अब सावनी की बदमाशियाँ देखिए यहाँ पर, मैं नहा के आई, तब तक मैं पूजा भी करने लग गई थी, तो घी मेरा हो चुका है, पक गया है, बस थोड़ा हल्का सा और पकना है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ी देर बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर इसको मैं छान के रख दूंगी तुरंत ही। आज की मैं सारे काम खत्म कर लूंगी, मैंने सब्जियां धो के रख दी थी तो सूख गई थी, मैंने उसको सब्जी को रख दिया है, मैं जल्दी जल्दी फ्रिज में लगा लूंगी।
यहाँ पे मैं आज अपना मिर्च और नींबू रखने वाला कंटेनर चेंज कर दे रही हूँ, और जो जिसे मैं पहले रखती थी वो कंटेनर मैं अपनी रसोइयों को ले जाके दूंगी स्कूल में, क्योंकि उसने मुझसे मांगे थे खाली डिब्बे। मैं नए डिब्बे खरीद के लेके आई थी नींबू मिर्च के लिए, तो उसमें नींबू मिर्च मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, बाकी दोनों मैं कल स्कूल लेते जाऊंगी और उसे दे दूंगी। मिर्च मैंने रखती है और वो जो दोनों कंटेनर खाली हुए उसको मैं स्कूल लेके जाऊंगी, अपनी रसोइयों को दूंगी। पर मैं मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगा रही हूँ, जो सुबह मैंने कपड़े सुनील के भी गाए थे वही कपड़े हैं जो मैं मशीन में फिर से लगा रही हूँ। बाकी आज के दिन मैंने इतना ही अपने कैमरे में कैद किया, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे मुझे अब शाम की चाय मिल रही है, सावनी बना के दे रही है, सावनी का मुंह। और ये है आइसक्रीम, ये है वनीला डेरी मिल्क आइसक्रीम, ये नई वर्जन आई है तो इसके ऊपर डेरी मिल्क ऐसे रखी हुई है, और अभी इसे मैं खाऊंगी और बताती हूँ कैसी लगती है। अच्छी है, बस थोड़ा सा चॉकलेट का टेस्ट आ गया है, तो ये आप घर पे बना सकते हैं।